भारतीय जनता पार्टी की जो जो अल्पसंख्यक मोर्चा है वो जो पूरे प्रदेश में वो बूथ जहां अल्पसंख्यक लोगों की आबादी ज़्यादा है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पैठ पहले कमज़ोर थी, उसको अब हमने मोर्चा के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जो हमारे सबके साथ सबके विकास की जो विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के अल्पसंख्यकों को मिला है, गरीबों को पिछड़ों को मिला है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, मुद्रा बैंक योजना हो, इन सबके को लेकर के और जो मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में जो NCERT का पाठ्यक्रम लागू करके उनको मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने की बात हो, उनको स्कॉलरशिप दिए जाने की बात हो, उनको हुनरमंद बनाए जाने के लिए जो स्किल डेवलपमेंट के तहत जो काम हुए, इन सारी योजनाओं को लेकर के हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता उन बूथों पर जहां अल्पसंख्यक लोगों की सघन आबादी है और उनको जाकर के उनको उन लाभार्थियों को के साथ संवाद करेंगे और अपनी नीतियों कार्यक्रमों के माध्यम से जनता उनको जागरूक करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा करेंगे। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन माननीय सुनील बंसल जी ने जो निर्देशित किया है हम लोगों को, इसमें बूथ पूरे यूपी में लगभग 104,000 बूथ हैं, जिसमें 15% बूथ ऐसे हैं जो मुस्लिम्स बाहुल है, जहाँ पे मुसलमानों का वर्चस्व है, उन बूथों पे पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, बूथ अध्यक्षों की नियुक्ति कर रहे हैं, जिसमें लगभग 60% बूथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और हमारा टारगेट है कि 10 नवंबर तक बूथ समितियों का गठित हम लोग कर लेंगे। और जहां तक रही बात मुसलमानों की, इस बार हम लोगों ने जो सिस्टम बनाए हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को सहयोग भी मिल रहा है बूथ स्तर तक काम करने के लिए या प्रदेश लेवल पर काम करने के लिए, पूरा सहयोग भारतीय जनता पार्टी हम लोग कर रही है। हम लोग बूथ स्तर तक जाकर बूथों को मजबूत करेंगे और मुस्लिम समुदाय को हम लोग समझा रहे हैं कि राजनीति से पार्टी से देखें, धर्म से नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी से जोड़ा जा रहा है, धर्म से नहीं, धर्म तो सेकेंडरी है, फर्स्ट हम लोगों का विकास के मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं पूरी तरह से। और पूरा 2019 के चुनाव में 15 से 20% मुसलमान, 15% तो हम लोग जोड़ देंगे।